बॉलीवुड फिल्म जगत में जिन साजिंदों ने संगीत प्रेमियों पर अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है, उनमें से एक प्रतिभाशाली कलाकार जिन्होंने अपने गिटार वादन की अद्भुत प्रतिभा से कई हिंदी फिल्मी गीतों को मशहूर बना दिया, अद्भुत प्रतिभा के धनी दिलीप नाइक 12 नवंबर 1942 में पिता MBBS डॉक्टर अन्नाजी नाइक और माता विमलाबाई नाइक के घर दिलीप जी का जन्म हुआ। 6 बच्चों में से ये सबसे छोटे थे। बॉम्बे के माटुंगा में वे पले बढ़े। हालांकि उनके पिता को मराठी संगीत नाटकों का बहुत शौक था और माताजी डीवी पलुस्कर के रेडियो पर लगे गीत सुनते ही किचन से बाहर दौड़कर चली आती थी। यही बात उनके बच्चों में भी दिखाई दी। उनकी एक बहन शास्त्रीय गायिका बनी। ये नन्हा सा बच्चा खेलने कूदने की उम्र में 2 रुपए में मिलने वाली बांसुरी लेकर या हारमोनिका लेकर अपनी संगीत की रुचि बयां करने लगा। एलिफेंटा केव्स में स्कूल पिकनिक गई थी। पीटी के अध्यापक खंबेटे ने इस नन्हे से बच्चे को हारमोनिका बजाते हुए पाया। वे बहुत खुश हुए। जब घर लौटे तो अपनी छोटी सी म्यूजिक रूम में ले गए। वहां रखे वायलिन, मैंडोलिन और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों को दिखाया और बच्चे से कहा, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आप चुनना चाहते हो? मैंडोलिन में रुचि क्षणिक साबित हुई। उसी साज पर 7 सुरों की पहचान कराई गई और मैंडोलिन घर ले जाने की अनुमति भी मिली, मगर उन्हें मैंडोलिन की ध्वनि पसंद नहीं आई। इसकी ध्वनि बहुत ऊंची थी। इसके बजाय गिटार ने उनका मन मोह लिया। दिलीप जी ने अपने पिता से जिद की कि मुझे एक गिटार दे दो। उस जमाने के 70 रुपए में नया गिटार खरीदा गया। सही लुक भी तैयार किया जा चुका था, लेकिन अभी उसे बजाना सीखना बाकी था। उनके एक भाई ने उनकी मदद की और उन्हें अपने दोस्त मरविन रुजारियो से मिलवाया, जिन्होंने नाइक को कुछ बुनियादी कॉर्ड सिखाए और उन्हें एक किताब भी उधार दी। 3 दोस्तों ने मिलकर एक बैंड शुरू किया। क्रिसमस, बर्थडे पार्टी, हाउस पार्टी और कई कार्यक्रमों में इन्होंने बहुत कम उम्र में ही प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। स्कूल छोड़ देने की वजह से पापा नाराज थे। आखिरकार पिताजी की जिद पर दिलीप जी ने मशीनिस्ट और टर्नर फिटर का कोर्स करने के लिए साबू सिद्दीक कॉलेज में दाखिला लिया। मैकेनिकल वर्क में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन वहां उनका मन नहीं लग रहा था। वे फिर एक बार संगीत की दुनिया की ओर खींचे चले आए। ऑर्केस्ट्रा संगीत सागर में उन्हें मौका मिला। हर कार्यक्रम में उन्हें 5 रुपए मिला करते थे। सोलापुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक ड्रमर ने दिलीप जी से 6 महीने के कश्मीर दौरे के लिए पूछा। दिलीप जी ने तुरंत हाँ कर दी। 250 रुपए प्रति महीने पर काम करते वक्त उन्होंने कश्मीर में बहुत कुछ सीखा। हर तरह का संगीत बजाया, चाहे पॉप हो, रॉक एंड रोल हो, सांबा हो, चा-चा-चा, जैज, इन जैसे कई प्रकारों में 100 से भी अधिक धुनें उन्होंने सीखी और तैयार की। इस अनुभव ने उनके प्रदर्शन को पूरी तरह से बदल दिया। दिलीप जी कश्मीर का दौरा कर मुंबई आए। जोसिक मेंजी से वे उस दौरान ट्रम्पेट भी बजाना सीख रहे थे। जोसिक मेंजी को पता चला कि दिलीप गिटार भी बजा लेते हैं। आप गिटार ले आइए और मुझे बजा कर दिखाइए। ये कहने पर दिलीप जी ने कुछ इस तरह बजाया कि जोसिक मेंजी काफी प्रभावित हुए और तुरंत उन्होंने एक सिफारशी पत्र उनके हाथों में थमाया और सेबेस्टियन डिसूजा से मुलाकात करने भेज दिया। यही था उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। और इस तरह बतौर म्यूजिशियन हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में द ग्रेट गिटारिस्ट दिलीप नाइक की एंट्री हुई। रिहर्सल के अगले दिन दिलीप नाइक ने देव आनंद और साधना अभिनीत फिल्म असली नकली के गाने छेड़ा मेरे दिल ने और गोरी जरा हंस दे तू इस पर संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की।
रिदम गिटार बजाकर हर किसी का ध्यान खींचा, मगर अगले 6 महीनों तक उन्हें एक भी काम नहीं मिला। उसके पश्चात उन्हें इलेक्ट्रिक गिटार बजाने के लिए बुलाया गया और उन्होंने जो गिटार सोलो बजाया वो फिल्म बेटी बेटे के विज्ञापन में रेडियो पर हम सभी के कानों पर गूंजता रहा। संगीतकार शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, आर डी बर्मन के साथ दिलीप जी ने कई हिट गाने बजाए। सी रामचंद्र, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उषा खन्ना, रवि, सचिन देव बर्मन, नौशाद, सलील चौधरी, मदन मोहन, हेमंत कुमार, सरदार मलिक, सपन जगमोहन, एस एन त्रिपाठी, सुरेश तलवार, एन दत्ता, उत्तम सिंह, वनराज भाटिया, इन जैसे कई संगीतकारों ने दिलीप जी की कला का उपयोजन अपने गीतों में किया। प्रादेशिक भाषाओं में भी उनका काम काफी सराहा गया। संगीत निर्देशक राम कदम की मराठी फिल्म पिंजरा हो या दादा कोंडके की फिल्म सोंगाड़िया, प्रभाकर जोग, सुधीर फड़के, वसंत प्रभु, इन जैसे संगीतकारों के संग वे काम करते रहे। फिल्मी चकाचौंध की दुनिया से दूर जाकर कुछ साल उन्होंने अमेरिका में जैज म्यूजिक को अपनाया। अपने गिटार प्रदर्शन के साथ कुछ छोटे बड़े काम भी करते रहे, मगर वहां उनका मन नहीं लगा। कुछ सालों बाद वे हिंदुस्तान लौटे, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे गिटार से दूरियां बना ली, मगर ऐसे नायाब कलाकार उनके बजाए गीतों के जरिए हम सभी के दिलों में कुछ ऐसे बसे हैं कि वे हमसे कभी भी दूर नहीं हो सकते। ऐसे प्रतिभाशाली अनूठे कलाकार दिलीप नाइक जी को शत शत प्रणाम।